इनको देखे कैसे सोए पड़े हैं। और मैं करती हूँ जल्दी जल्दी सफाई इनको उठाकर, और मैंने भी जल्दी जल्दी कर ली सफाई और साथ ही साथ धो लिए बर्तन। मॉडल गानिया मॉडल अपना मुंह दिखाओ, मॉडल गानिया ये इसके अंदर डाल क्या रही हो, पैक क्या कर रही हो? अच्छा कोल्ड ड्रिंक है, और नहीं वो तो रात को ही पी ली थी। पानी है, कितनी बोतलें पानी की? तीन है। ये बैग तो उठा लो, ये है किसका? अम्मी और इफ्रा का है। हाँ, बस हमारा इफ्रा, इतना सामान है तुम्हारा। ये छोना सी ज्यादा जा रहा है, अलमिशरानी भी जा रही है। फाइनली गाइस अब हम अपने घर जा रहे हैं, अब आपको सिर्फ और सिर्फ विदा का चेहरा ही नजर आने वाला है हमारा तो। और ये जो हमारे सजादा है ये भी जा रहा है। चलो जाओ चलो जाओ, अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। बात सुनो, वो ना दो रिक्शे किए ना, दो उनको बोलना रिक्शा साथ साथ रखें, सही है? अलग अलग ना जाओ। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, जाओ बाय, अल्लाह हाफिज। मैंने लगाया चारकोल मार्क्स क्योंकि घर में कोई भी नहीं था, सब चले गए हैं, बस मैं हूँ, हानिया हसन है और बस हम ही लोग हैं। और मैंने कहा चल यार फ्रेश हो जाऊँ, थोड़ा सा चारकोल मार्क्स लगा लूँ, ठंडक हो जाए स्किन पे ना, चेहरे पे इससे बहुत ज़्यादा ठंडक हो जाती है चारकोल मार्क्स। और हमें जाना था रात को शादी में भी, तो घर में भी बड़ा सुकून है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अब हंस नहीं सकती क्योंकि मेरे स्किन पर मार्क्स लगा हुआ है। तो चलते हैं और अपने जितने भी हैं वो सारे करते हैं काम। घर में तो इतना सुकून है, इतना सुकून है, इंतहाई ज़्यादा सुकून हो रहा है, सब चले गए हैं। तो हमें भी जाना था शादी में, तो मैंने कुछ मैचिंग करनी है चीज़ों की, तो मैंने कहा पहले जाती हूँ मैचिंग करके ले आती हूँ, क्योंकि आज फिर भी फ्री हूँ कल, क्योंकि मुझे धोने हैं कपड़े, तो इसलिए मैंने कहा ये जो सारी चीज़ें हैं मतलब ट्राउज़र वगैरह मैच करने हैं मुझे, वो मैच करके ले आती हूँ। और मुझे फाउंडेशन लेना था बाज़ार से, तो मैं जाती हूँ और फाउंडेशन लेकर आती हूँ। ईश्वर के साथ लेना था ट्राउज़र, वो भी नहीं मिला, और इस तरह का लेना था, ये जो नज़र आ रहा है आपको मेरा बीच में से ये दुपट्टा मैच कर रहा है, पर ये बच्चों का दुपट्टा है, तो मुझे लेना था बड़ा दुपट्टा, तो वही फाइंड कर रही हूँ। और इसके साथ लेना था ट्राउज़र, इसके साथ ये ट्राउज़र मैच हुआ है पर साइज़ नहीं है, तो इसको भी वो फाइंड कर रहा है कि कहाँ से मिल जाए ट्राउज़र मुझे। और बाकी देख रही हूँ क्या क्या लेना है, क्योंकि मैं मैचिंग की काफ़ी सारी चीज़ें लाई हूँ, ट्राउज़र लाई हूँ, दुपट्टा लाई हूँ, शर्ट लाई हूँ, लेकिन कुछ मिल रहा है कुछ नहीं मिल रहा, तो वो अंदर ढूँढने के लिए गया हुआ है। तो YouTube फैमिली मैं आपको दिखाऊं कि मैंने बाल कितने छोटे करवा दिए हैं, तो मैंने बाल जो है वो इतने छोटे करवा दिए हैं। ये मैंने उसको कहा तो कुत्ते को बड़े बाल थे कि मेरे बाल इतने इतने रखना, लेकिन उसने बहुत छोटे कर दिए हैं, बिल्कुल ही छोटी कॉलेज की बच्ची बना दिया है मुझे। और मैं जा रही हूँ शादी में, और मैं पहन रही हूँ ये वाला सूट। और बाज़ार से मैं क्या लेने गई थी वो भी आपको दिखाती हूँ। तो मैंने लिया एक फाउंडेशन, क्या नाम है, गबरीनी, गबरीनी का फाउंडेशन लिया मैंने एक ये वाला, क्योंकि हमारे पास फाउंडेशन नहीं था, मुझे तैयार होना था। और मेरा जो ये सूट था ये काफ़ी टाइम से सिला पड़ा था लेकिन मैं पहन नहीं रही थी, और दो साल पहले कि सिला हुआ था, शर्ट सिली हुई थी और पहन नहीं पा रही थी क्योंकि ट्राउज़र नहीं था। तो आज मैं बाहर जब गई तो ट्राउज़र भी मुझे मिल गया इसके साथ का, तो इसकी मैचिंग हो गई कंप्लीट, और दो साल से नहीं पहना था क्योंकि इसका ट्राउज़र मैच नहीं हो रहा था, तो अब मैं ये सूट भी पहनूंगी क्योंकि मुझे इसकी मैचिंग मिल गई है। तो चलें जी चलते हैं और करते हैं अपने बाल स्ट्रेट। मॉडल गानिया उठ जाओ, तैयार हो जाओ, उठ जाओ, बाल स्ट्रेट शुरू कर लो। उठे, कसम से मैं मजाक नहीं कर रही, उठ जाओ तेरी सारी मॉडलिंग मैं निकाल दूंगी, उठ खड़ी हो, फिर मैंने भी बाल स्ट्रेट करने हैं, जल्दी करो जल्दी। और ये मॉडल गानिया को देखिए, इसके बाल देखिए, इसके बाल बहुत ज्यादा छोटे कर दिए अब अच्छा एक दफा अपने बाल दिखा दे, अपने बाल दिखा दे मॉडल गानिया, इधर आके इधर आके इधर आके, और ये देखे इधर फ्रंट पे मॉडल गानिया के बाल देखे जरा आप, पास उन्हें स्ट्रेट खड़ी हूँ। बाल हो गए स्ट्रेट, तो फाइनली मेरे बाल हो गए हैं स्ट्रेट, और आप मेरे न्यू हेयर स्टाइल का लुक देख सकते हैं। और यहाँ पे गानिया ने भी अपने कर लिए हैं बाल स्ट्रेट, और गानिया के बाल देखें, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारा हेयर स्टाइल कैसा, न्यू कटिंग कैसी लगी आप सबको, और कैसी है, सूट कर रही है या नहीं कर रही।
तो सबसे पहले तो मैं जॉनसन्स की जो है वो फ्रेश क्रीम वो अप्लाई करती हूँ, क्योंकि उससे स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाती है। तो उसके बाद मैंने अप्लाई किया क्या कहते हैं इसका, क्या नाम है, मैं तो भूल ही गई, गबरीनी का फाउंडेशन। ये थोड़ा थोड़ा मतलब लाइक से इसके टिप जो है वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उसके बाद मैंने क्रीम के बाद यूज़ किया गबरीनी का फाउंडेशन। मैं पहले फिंगर टिप्स से कर लेती हूँ, उसके बाद फिंगर टिप्स से करने के बाद मैं जो हूँ वो पफ यूज़ करती हूँ। पहले मैं उंगलियों से जो है वो बेस बना लेती हूँ, उसके बाद मैं पफ यूज़ करती हूँ ताकि अच्छी सी ब्लेंडिंग हो जाए। और ये मैंने जे डॉट से जो है वो कॉम्पैक्ट लिया हुआ था नोट का, तो ये बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है जे डॉट का नोट का कॉम्पैक्ट। थोड़ा एक्सपेंसिव है लेकिन बहुत अच्छा है, बिल्कुल नेचुरल लुक देता है, बिल्कुल नेचुरल। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, आई लाइक इट। और यहाँ स्टार्ट कर दिया मैंने ब्लश ऑन, और ब्लश ऑन जो है वो आप देख सकते हैं थोड़ा सा टूटा हुआ है क्योंकि ये इब्राहिम ने गिराया था और ये टूट गया था। तो मैंने कहा चलो फ़िलहाल तो गुजारा करना है, आज का ही दिन है। वैसे तो हमारे यहाँ कोई शादियाँ वगैरह होती नहीं है, बहुत ही कम ऐसा होता है, कोई शादी हो तो हम कर लेते हैं। तो मैंने यही थोड़ा बहुत करके यूज़ कर लिया। इसके बाद मैंने अप्लाई किया शिमर यानी शाइनर, फेस शाइनर। तो मैंने ये लगाया, और ये वैसे मुझे इतना मेकअप आता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आता, तो मैं जो हूँ वो थोड़ा थोड़ा पूछ लेती हूँ इधर उधर से, ये कैसे करना है, ये कैसे करना है। और घानिया करती है तो उसको थोड़ा बहुत आता है, तो मैं घानिया से पूछ लेती हूँ, घानिया ये जो है वो फेस शाइनर वो ये कैसे लगाया जाता है, तो वो मुझे बताती है कि इसको इधर लगाना है या इधर लगाना है। तो क्योंकि मुझे तो इतना मेकअप नहीं आता और हम लोगों ने कभी इतना मेकअप किया ही नहीं है, बहुत कम मेकअप यूज़ करते हैं ना, मतलब अम्मी ने बचपन से हम लोगों को मेकअप नहीं यूज़ करने दिया। तो यहाँ पे मैं लगाने लगी हूँ लाइनर, और लाइनर जो है वो हुदा का है और मैंने पहले से ही लेके रखा हुआ था, और ये गानिया का लाइनर था, हम लोग अक्सर अप्लाई करते रहते हैं। ये लाइनर भी बहुत अच्छा है और वाटरप्रूफ है, फेस क्लीन करने से भी मतलब मुंह वॉश करने से भी ये उतरता नहीं है। तो यहाँ मेरा आ गया मस्कारा, मैबलिन का लिया था मैंने मस्कारा, ये भी एक साल पुराना है लेकिन बहुत अच्छा चल रहा है, और ये थोड़ा वाटरप्रूफ है भी और नहीं भी, क्योंकि ये उतर जाता है ना फेस वॉश करने से, जैसे कि अक्सर नहीं उतरते। और जी साथ ही साथ उसके बाद मैं पीने लगी हूँ सिगरेट सिगरेट नहीं है ये, स्मोकिंग वो लिपस्टिक है। इसका लुक कैसा है, इसकी पैकिंग ऐसी है कि लगता है कि ये सिगरेट है। तो मैंने मेहरून कलर की लिपस्टिक लगाई, जैसे कि मेरा सूट था मेहरून। और अब आप मेरा फाइनल लुक देख सकते हैं कि मेरा फाइनल लुक कैसा है, और ये था मेरा फाइनल लुक। तो खैर ये ड्रेस मैंने पहले भी एक दफ़ा पहनी थी, तो सोचा अभी भी पहन लेती हूँ, तो कैसी लग रही हूँ मैं इस ड्रेस में, ये है मेरा फाइनल लुक। हम लोग पहुँच चुके हैं और मैं आपको दिखाती हूँ अल सैयद बैंगलोर में पहुँचे। ये खाना आप देख रहे हैं, प्लेटें खाली, ये वीना ने ख़त्म की है, और अब ये आइसक्रीम पे फुल चिप, और ये इसी ने ख़त्म किया, ये इसी का कप है, मेरा एक ही है ये वाला बस, और सारा खाना इसी ने ख़त्म किया है। झूठ बोलिए, झूठ बोलिए। नो नेहा नो, चलो 8000 साथ में, 9 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
ज्यादा दिन दिए तूने पागल है क्या? आदि आदि आदम हम मारे गए तू मेहमान अपनी शादी में। ये थी ज़रा शादी, डेढ़ घंटे की शादी थी, सुबह से तैयारियों में लगे हुए थे और अब बस करते हैं चेंज वेंज क्योंकि ज़्यादा देर तक बालियां वालियां नहीं पहन के रह सकती मैं। ये अब्दुल हनान अब्दुल हादी और अरमिश की ममा की जो दोस्त थी ना उसके देवर के बेटे की शादी थी, उन्होंने हमें बुलाया हुआ था। तो वैसे तो हम नहीं जा रहे थे लेकिन फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं आप लोग आएँ, तो हमने कहा चलो मैं और घानिया चले जाते हैं, बाकी सब तो लोग पंजाब चले गए थे। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया हम लोगों को, घानिया मज़ा आया था इसको भी बहुत, हम लोग के एंड मोमेंट पे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। तो जी हाँ बस यहीं पे करते हैं अपने आज के ब्लॉग का एंड और मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। और अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अगर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, शेयर करें लाइक करें सब्सक्राइब करें सब करें। तो चलें जी अल्लाह हाफिज़। तो मेकअप शेकअप उतार दिया है और इधर मेरी आंखें देख कितनी काली हो रही है, हाय मेरी आंखें इतनी वो हो जाती हैं मेकअप करने से, क्या कहते हैं उसको, मतलब पानी आता है तो अजीब सी जलन होने लग जाती है आँखों में। तो ये थी हमारी आज का इवेंट था जो कि थका दिया है गानिया उन लोगों की ना दूध पिलाई रस्म में ना बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। लड़की कैनेडा की थी और जो लड़का था ना वो पाकिस्तान का था, तो डॉलर्स में डील हो रही थी दूध पिलाई की रस्म। तो खैर बहुत ज़्यादा मज़ा आया, तो बस हम लोग भी बस जल्दी जल्दी आने की हम लोगों ने, टाइम भी हो रहा था। फिर उन्होंने अपना ड्राइवर भेजा हमें छोड़ने के लिए कि तुम लोग अकेले कैसे जाओगे, पास ही था वैसे तो घर के ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन उनकी इतनी भी प्रोटोकॉल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ उन लोगों का। तो खैर ये हमारी तो दोस्त नहीं थी, मेरी जो बहन आज वापस गई है ना